मंत्री मल्ला रेड्डी ने मेडचल जिले के बोरुप्पल नगर पालिका कार्यालय में टीआरएस पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा कि बोरुप्पल क्षेत्र बीआरएस का अड्डा है। सीएम केसीआर को कई कल्याणकारी योजनाओं का श्रेय दिया जाता है, जैसा देश में कहीं और नहीं मिलता है। तेलंगाना के किसानों ने 3 लाख मीट्रिक टन अनाज की कटाई का श्रेय लिया। कांग्रेस 6 गारंटियां लेकर आएगी जिनकी गारंटी नहीं है और जिन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मल्ला रेड्डी गुणवत्ता और आस्था के लिए जाने जाते हैं। क्या जंगया यादव अच्छा नाम नहीं है? उन्होंने वज्रेश यादव का नाम क्यों रख लिया है? उन्होंने कहा कि क्या वह एक फिल्म अभिनेता है? उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि लोग सिर्फ इसलिए उन पर विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने अपना नाम बदल दिया है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों के नेता प्रचार में व्यस्त है। विधानसभा चुनाव की कवायद शुरू हो गई है, लेकिन बीआरएस और कांग्रेस ने पहले ही उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवारों की सूची की घोषणा नहीं की है। इसी के तहत नेतृत्व के आह्वान पर भाजपा नेताओं ने दिल्ली की राह पकड़ी। बीजेपी के प्रमुख नेता अपना दिल्ली दौरा पूरा कर हैदराबाद पहुंच गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डी के अरुणा और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष इटेला राजेंद्र तेलंगाना भाजपा के उम्मीदवार को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली गए। अपना दौरा पूरा करने के बाद वह हैदराबाद लौट आए। तेलंगाना के डीजीपी अंजनी कुमार ने कहा कि बड़ी सफलता बड़े त्याग से मिलती है। उन्होंने पुलिस शहीद स्मृति दिवस के मौके पर एक वीडियो संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस शहीद दिवस का एक महत्व है। 21 अक्टूबर 1959 को भारत और चीन की सीमा पर 10 सीआरएफएफ पुलिसकर्मियों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने कहा कि वही देश भर में 189 पुलिसकर्मियों ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने जीवन का बलिदान किया है। उन्होंने कहा कि वह उन सभी को गर्व से सलाम करते हैं। हैदराबाद के गोशामल मैदान में आयोजित पुलिस शहीदों के स्मृति दिवस में डीजीपी अंजनी कुमार, सीपी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। अंजनी कुमार ने कहा कि पुलिस सेवाओं में तेलंगाना आगे है। भरोसा केंद्र देश के लिए आदर्श बन गए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों वाला राज्य है। राज्य में अपराध दर कम हो रही है। कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। सांसद लक्ष्मण ने खुलासा किया कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा किसी भी वक्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी केंद्र चुनाव समिति ने 3 राज्यों के लिए उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा की है। बताया गया है कि तेलंगाना से 50 से अधिक पदों पर उम्मीदवारों के चयन की कवायद पूरी हो चुकी है। हम उम्मीदवारों के चयन में सामाजिक न्याय का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले चरण में बीसी को 20 से अधिक सीटें आवंटित की जा रही है। महिला आरक्षण को लेकर एमएलसी कविता ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया, लेकिन महिलाओं को बीआरएस सीटें आवंटित नहीं की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस बीसी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सांसद लक्ष्मण ने कहा कि बोर्ड राजा सिंह के निलंबन और उम्मीदवारी पर विचार कर रहा है। साइबराबाद सीपी स्टीफन रविंद्र आईपीएस ने पूरी शहीद स्मृति दिवस के अवसर पर शहीदों की सेवाओं को याद करते हुए साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय में शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सबसे पहले सीपी ने सलामी ली और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सीपी ने पुलिस से खुद को राष्ट्रीय सेवा के लिए फिर से समर्पित करने का आह्वान किया। समाज के लिए, देश के लिए और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस शहीदों के बलिदान से भी प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिसकर्मियों के बलिदान को सदैव याद रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अगर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना की है, तो देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। हर पुलिसकर्मी ड्यूटी ज्वाइन करते समय शपथ लेता है कि वह लोगों का पैसा और जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा। लोग सोचते हैं कि थाने जाएंगे तो न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य को तदनुसार निभाया और लोगों को दिल में स्थिर स्थान हासिल किया। साइबराबाद सीपी स्टीफन रविंद्र ने कहा कि पुलिस ने शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों के लिए जो काम किया है वह सराहनीय है, ताकि लोगों का पुलिस विभाग पर भरोसा बढ़े। सशस्त्र कांस्टेबल ईश्वर राव की सेवाओं को याद करते हुए शहीदों के परिवार के सदस्यों को साइबराबाद सीपी ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। पुलिस शहीद स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में अंबरपेट मुख्यालय में पुलिस झंडा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राचकोंडा पुलिस कमिश्नर डीएस चौहान ने हिस्सा लिया। इस मौके पर राचकोंडा कमिश्नर डीएस चौहान ने उन शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने इस साल ड्यूटी के दौरान अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस कार्यक्रम के लिए राचकोंडा कमिश्नरेट के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों और पुलिस शहीदों के परिवारों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया और वित्तीय सहायता प्रदान की गई। ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों की याद में देश भर में झंडा दिवस का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना पुलिस कर्तव्य पालन में देश में पहले स्थान पर है और राचकोंडा आयुक्तालय में एक पुलिस परेड का आयोजन किया गया था।
उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस सुरक्षा बनाए रखने और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कोविड जैसी विकट परिस्थितियों में खड़ी होकर लड़ेगी। कमिश्नर डीएस चौहान ने कहा कि सभी को यह याद दिलाने के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की गई है कि ऐसे समय में कुछ पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है। तेलंगाना जन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर कोदंड राम ने साफ कर दिया है कि वह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वह राज्य सरकार के 10 साल के शासन, लोगों की आकांक्षाओं और नागरिक समाज के कर्तव्यों पर महबूबाबाद जिला केंद्र में सीपीएम कार्यालय में आयोजित एक सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे। कोदंड राम ने आपत्ति जताई है कि वो सरकार है जिसने बिजली बाधित की, संसाधन लूटे और राज्य को कर्ज में डुबो दिया। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि अगर इस तरह का शासन खत्म नहीं किया गया तो तेलंगाना का विकास नहीं होगा। कोदंड राम ने आरोप लगाया कि बीआरएस तेलंगाना के लोगों पर बोझ बन गया है और राज्य के विकास में बाधा बन गया है। बीआरएस एससी सेल के अध्यक्ष बोटूर विष्णु ने कहा कि एक तरफ लोगों को कल्याणकारी योजनाएं मुहैया कराने वाली सीएम केसीआर और विधायक माधवराम कृष्ण राव हैट्रिक जीत हासिल करेंगे। एससी सेल के अध्यक्ष बोटू विष्णु ने कुकटपली निर्वाचन क्षेत्र के प्रशांत नगर वरसिद्धि विनायक मंदिर में चंडी होम और राज्य श्यामला होम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार विधायक माधवराम कृष्ण राव ने भाग लिया। बोटू विष्णु ने कहा कि एमएलए माधवराम कृष्ण राव एक ऐसे नेता हैं जो कुकटपली निर्वाचन क्षेत्र का हर तरह से विकास करके और लोगों को कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करके कुकटपली के लोगों की कठिनाइयों और समस्याओं को जानते हैं। उन्होंने खुलासा किया कि हमने एक यज्ञ का आयोजन किया है कि केसीआर को तेलंगाना राज्य का हैट्रिक मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हैदराबाद में प्रवासी बंगाली समुदाय की तरफ से धूमधाम से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में अत्तापुर बंगाली एसोसिएशन की तरफ से भव्य दुर्गा पूजा उत्सव का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में सिटी विजन के एमडी शिव रामाकृष्णा बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर उपस्थित थे। दुर्गा पूजा के महत्व को लेकर उनकी पत्नी के पुष्पलता ने अपनी बातें कही। एसबीआर गार्डन में भव्य पंडाल में हजारों की तादाद में बंगाली समुदाय ने माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की। देश भर में नवरात्रि उत्सव की धूम मची है। क्या गांव और क्या शहर, हर जगह बड़े हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि मनाई जा रही है। भक्तगण देवी माँ के व्रत उपवास रखने के साथ ही पूजा अर्चना में भी भाग ले रहे हैं। उत्सव के तहत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई भक्तिभाव से भाग लेकर स्वयं को कृतार्थ कर रहा है। इसके तहत बंगाली एसोसिएशन के तत्वावधान में अत्तापुर में नवरात्र महोत्सव का आयोजन किया गया। इस भव्य समारोह में सिटी विजन के प्रबंध निदेशक शिव रामाकृष्णा और पुष्पलता दंपति ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इन समारोह में बंगाली परंपरा को महत्व देने वाले कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में महिलाओं और बच्चों के प्रदर्शन ने दर्शकों को काफ़ी प्रभावित किया। बंगाली एसोसिएशन के सदस्यों ने सिटी विजन के प्रबंध निदेशक शिव रामाकृष्णा दंपति को शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया। अत्तापुर बंगाली एसोसिएशन के अध्यक्ष कुंतल पुरुकेत, महासचिव तुहिन बासु व कमेटी के सभी सदस्यों ने मिलजुल कर प्रयास किया और महानगर में रहने वाले प्रवासी बंगालियों को पूजा के दौरान एकजुट किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों और महिलाओं का उत्साह देखते बन रहा था। On this day, I can just pray Durga to all of us on the Shashti day, to the Mother Katyayani, that let have lots of blessings in our life of health, happiness and prosperity. And more importantly is that we get rid of our enemies. And when I say enemies, we think enemies are outside in form of our neighbor, our relatives or friends or boss or somebody. Enemies is within us, our own negative emotions. And Durga Katyayani helps us to overcome our own flaws, our own negative emotions. So let's all pray that we overcome our own inhibitions, our own weaknesses in this Navratri, on this Shashti day, now to the Mother Katyayani, that we overcome our own weaknesses. So from AVA, we welcome you all. To enjoy the Durga Puja celebrations with us. We have a lot of cultural events and please have come and have fun with us. Everybody to Durga Puja. To Attapur Bengali Association. Wanted to join us. The kids are going to dance and have fun. Enjoy Durga Puja. Have some dance fun.
मैं आत्तापुर बंगाली एसोसिएशन की तरफ से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग दुर्गा माता का पूजा कर रहे हैं। दुर्गा माँ महिषासुर का वध कर यहाँ पर इसलिए पूजा मनाया जाता है क्योंकि वे अपने पिताजी के घर आते हैं जो हमारे धरती हैं। तो हम लोग यहाँ पर दुर्गा पूजा मनाते हैं। एबीए में हम लोग यहाँ पर कई सारे चीज़ कर रहे हैं। दुर्गा पूजा का पूजा भी कर रहे हैं, साइड में प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं और खाने के विभिन्न तरीके के स्टॉल्स भी हैं। इसलिए हम लोग सब चाहते हैं कि आप भी एबीए में आत्तापुर बंगाली एसोसिएशन में आ सकें। एंड सवार जो मैं सबाई मिले तो एनीवेज एवरी ईयर हमरा एतो एन्जॉय करी इवन ड्यूरिंग कोविड टाइम्स जोखन भीषण डिफिकल्ट टाइम छिलो तखनो हमरा अंकल आंटी बच्चारा सबाई मिले माने आमादेर काछे दुर्गा पूजोटा इज लाइक आवर ओन पर्सनल सेलिब्रेशन। हैदराबाद में पुलिस जांच के दौरान भारी मात्रा में नकदी जब्त की जा रही है। पुलिस पहले ही करोड़ों रुपए की नकदी जब्त कर चुकी है। हाल ही में एक बार फिर बड़ी मात्रा में कैश पकड़ा गया है। पुलिस ने AMR कंपनी के महेश रेड्डी के पास से 3 करोड़ रुपए कैश जब्त किया है। टास्क फोर्स पुलिस ने कर्नाटक से पैसे ले जाते समय पकड़ा। पुलिस को शक है कि AMR संस्था का महेश रेड्डी कर्नाटक के एक प्रमुख नेता का बेनामी है। बरामद 3 करोड़ रुपए की नकदी IT विभाग को सौंप दी गई। IT विभाग के अधिकारियों ने AMR संगठन के कार्यालयों और महेश रेड्डी के आवास पर निरीक्षण किया। इब्राहिमपट्टनम बीडीए रोड पर पुलिस ने वाहन जांच की। इसके तहत पुलिस को कार में करीब 2 करोड़ कीमत के सोने और हीरे के आभूषण मिले और उन्हें जब्त कर लिया गया। CI ने कहा कि इब्राहिमपट्टनम PS में चुनाव संहिता के कार्यान्वयन के तहत वाहनों का निरीक्षण किया गया। गोविंद रेड्डी ने कहा बीडीए रोड SI रामकृष्ण और कर्मचारियों ने निरीक्षण किया है। CI गोविंद रेड्डी ने कहा कि इन निरीक्षणों के दौरान भारी मात्रा में सोना जब्त किया गया है। जब्त किए गए सोने का चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर को सौंप दिया गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और BRS के नेता यहां तेलंगाना में तो एक दूसरे को कोसेंगे, आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे और फिर दिल्ली जाकर रात के अंधेरे में समझौता कर लेंगे। वे सिद्दीपेट जिले के दुबाका में विधायक रघुनंदन राव द्वारा आयोजित नारी शक्ति वंदन सभा में शामिल हुई। स्मृति ईरानी ने KCR के परिवार पर TSPSC प्रश्न पत्र लीक भूमि घोटाले में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप लगाया है। उन्होंने खुलासा किया कि प्रधानमंत्री मोदी हर क्षेत्र में तेलंगाना राज्य का विकास कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने शिक्षक नियुक्तियों में महिलाओं के लिए समांतर आरक्षण लागू करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति P माधवी देवी ने वर्टिकल सिस्टम के तहत DSC में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने के शिक्षा विभाग के फैसले को चुनौती देने वाली कई अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक शिक्षक नियुक्तियों में महिलाओं के लिए समांतर आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि हाई कोर्ट ने हाल ही में Group 1 में भी इसी तरह के आदेश जारी किए थे। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने समांतर आरक्षण लागू करने का अंतरिम आदेश जारी किया है। इसने पूरे विवरण के साथ काउंटर दाखिल करने का आदेश देते हुए सुनवाई 15 नवम्बर तक के लिए स्थगित कर दी। दशहरे पर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और शहर के भारी क्षेत्रों में यात्रियों की भीड़ लगी रहती है। हैदराबाद से विभिन्न स्थानों के लिए प्रस्थान करने वाली ट्रेनों और बसों में भीड़ होती है। बड़ी संख्या में शहरवासी अपने अपने वाहनों से रवाना होकर अपने गांव जाते देखे जा रहे हैं। दशहरा उत्सव की पृष्ठभूमि में सद्दुला बतकुमा के लिए अपने गांव जा रहे हैं। तेलुगु राज्यों के विभिन्न हिस्सों में जाने वाले यात्रियों के साथ महात्मा गांधी और जुबली बस स्टेशनों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। उप्पल, LB नगर, मेहंदीपट्टनम और अन्य जिलों में जाने वाली बसों में भीड़ देखी जा रही है। दशहरा यात्रियों की भीड़ को देखते हुए RTC ने 5,250 से ज़्यादा बसें चलाने की योजना बनाई है। RTC अधिकारियों के अनुसार प्रतिदिन चलने वाली 3,500 बसों के अलावा 1,700 से अधिक बसें संचालित की गई है। यात्रियों की भीड़ अगले 3 दिनों तक जारी रहेगी। नामपली, सिकंदराबाद और काचीगुड़ा से विभिन्न स्थानों के लिए प्रस्थान करने वाले ट्रेनें भी भर गई है। नियमित ट्रेनों में कई दिन पहले आरक्षण बुक होने के कारण कई लोगों ने जनरल कोच का सहारा लिया है। इसके कारण दूर दराज जाने वाली नियमित बोगियों में यात्रियों से भरी है। आमतौर पर हर दिन हैदराबाद से विभिन्न स्थानों के लिए लगभग 50 एक्सप्रेस ट्रेनें चलती है। 100 यात्री ट्रेनें और चलेंगी। दक्षिण मध्य रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए संक्रांति तक लगभग 600 अतिरिक्त सेवाएँ चलाने की व्यवस्था की है। यात्रियों की अधिक आवाजाही वाले मार्गों को पहचान कर विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की जा रही है। हैदराबाद से काकीनाडा, नरसापुर, तिरुपति, कर्नूल, विशाखा, भुवनेश्वर और अन्य स्थानों के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। हर दिन करीब 1.85 लाख लोग ट्रेनों से यात्रा कर रहे हैं। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि त्यौहार छुट्टियों को देखते हुए पिछले 3 दिनों से हर दिन करीब 25,000 लोग यात्रा कर रहे हैं।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन में पहला कदम बढ़ा दिया है। इसरो का पहला परीक्षण यान अबार्ट मिशन सफल रहा। एक सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट कक्षा में क्रैश हो गया। क्रू मॉड्यूल पैराशूट की मदद से सुरक्षित नीचे उतर गया। इसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक प्रयोग की सफलता पर इसरो वैज्ञानिकों ने खुशी व्यक्त की है। इसरो गगनयान से पहले चार परीक्षण करना चाहते हैं। परीक्षण वहाँ निरस्त मिशन पहला है। हालांकि इस तरह का परीक्षण 2018 में भी किया गया था, लेकिन यह सीमित पैमाने पर किया गया था। इस बार वे लगभग पूरी तरह से तैयार अंतरिक्ष यान का परीक्षण कर रहे हैं। इसके नतीजों के आधार पर इसरो आगे के परीक्षणों की तैयारी करता है। यह क्रू एस्केप सिस्टम की दक्षता, क्रू मॉड्यूल के प्रदर्शन और मंदी प्रणाली की मजबूती की जाँच करता है, जो अंतरिक्ष यान को सुरक्षित रूप से नीचे लाता है। यह जलमग्न क्रू मॉड्यूल को पुनः प्राप्त करने और उसे तट पर लाने की कवायद की भी परीक्षण करेगा। अगर अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाले रॉकेट में कोई खराबी आ गई तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। ऐसी स्थिति में क्रू मॉड्यूल जहां वे बैठते हैं उस रॉकेट से अलग किया जाना चाहिए और सुरक्षित रूप से नीचे लाया जाना चाहिए। इसे क्रू एस्केप सिस्टम कहा जाता है, यानी आपातकालीन निकास प्रणाली की दक्षता का परीक्षण किया जा रहा है। मंदी प्रणाली में 10 पैराशूट होते हैं जो क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से नीचे लाते हैं। एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया एकल चरण रॉकेट, इसकी लंबाई 19.5 मीटर है। यह एक परिवर्तित विकास तरल इंजन द्वारा संचालित है। इसमें 15.5 मीटर लंबा क्रू एस्केप सिस्टम और क्रू मॉड्यूल है। भविष्य में अंतरिक्ष यात्री इसी क्रू मॉड्यूल में उड़ान भरेंगे। अब इसरो का एक मानव रहित प्रयोग करना चाहते हैं। इसरो का लक्ष्य गगनयान में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर कक्षा में भेजना है। 3 दिन के बाद यह उन्हें वापस धरती पर ले आता है। यह यात्रा 2025 में होने की संभावना है। इस उद्देश्य से इसरो कई वर्षों से कुछ प्रमुख प्रौद्योगिकियों पर काम कर रहा है। अब इनका अंतरिक्ष में परीक्षण किया जाएगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर भारत पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत अपनी हरकतों से लाखों लोगों को परेशानी में डाल रहा है। उन्होंने भारत में कनाडाई राजनयिकों की वापसी के बाद स्थानीय मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि राजनयिकों की आवाजाही से भारत में कनाडाई वीजा और काउंसलर सेवाएं बाधित हो गई है और पर्यटन और व्यापार क्षेत्रों में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। कनाडा में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भारत राजनयिकीय संबंधों के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ काम कर रहा है। दोनों देशों में रहने वाले लाखों लोग पीड़ित है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा, मैं कनाडा में भारतीय मूल के कई नागरिकों के बारे में चिंतित हूँ। वही कनाडा की करीब 5% आबादी यानी करीब 20 लाख लोग भारतीय मूल के हैं। इसके अलावा कनाडा में पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में लगभग 40% भारतीय है। मालूम हो कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में एक गंभीर आरोप लगाया है कि खालिस्तान आतंकी निजर की हत्या के पीछे भारत का हाथ है। ट्रूडो के आरोपों से दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध पूरी तरह से खराब हो गए हैं। We call upon the government of India to work with us, to take seriously these allegations and to allow justice to follow its course. There are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. That is something of the utmost and foundational importance in a country of rule of law, in a world where international rules-based order matters. We have a rigorous and independent justice system and robust processes that will follow their course. And we call upon the government of India to engage with us to move forward on getting to the truth of this matter.